हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ऐसे कितने सपने हैं जो आप बहुत सालों से देख रहे हो लेकिन अभी तक आप उसके बारे में सिर्फ सोच रहे हो। याद रखना, सिर्फ सोचते रहने से सपने पूरे नहीं होते, उल्टा आप अपना टाइम, ऊर्जा और सपने को करने की जिद भी खो दोगे अगर तुमने शुरुआत नहीं की। जो तुम करना चाहते हो, जिसके बारे में तुम बहुत दिनों से सोच रहे हो, अगर तुम उस चीज़ को उसी वक्त शुरू किया होता तो शायद आज तुम सोच भी नहीं सकते उस मुकाम पर होते। कई लोग सही वक्त आने का इंतज़ार करते हैं। उन लोगों से मैं एक है दूँ दोस्त, सही वक्त कभी खुद से नहीं आता, किसी काम को करने के लिए हर वक्त सही होता है। बस तुम्हारे अंदर वो इरादा, वो जिद होनी चाहिए उस काम को करने की। दोस्तों, विनर माइंडसेट वाला जो बंदा होता है, उसके अंदर कोई आइडिया आता है तो एक महीने के अंदर उस आइडिया को एग्जीक्यूट करता है या उस पर कोई एक्शन लेता है। पर लूजर माइंडसेट वाला बंदा एक महीने के बाद भी उस आइडिया को सोचता रहता है। और इसी एटीट्यूड और तुरंत एक्शन लेने की वजह से विनर माइंडसेट वाले लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे कभी गलती नहीं होती, पर वो गलती से उन्हें सीख मिलती है और वो सीख उन्हें अगली गलती करने से रोकती है। क्योंकि यार, किसी भी चीज़ को करके उसमें फेल हो जाना 100 गुना अच्छा है सिर्फ सोचते रहने से। और हाँ, हर आइडिया में एक ना एक नेगेटिव पॉइंट जरूर होता है, और आप ज़्यादा सोचोगे तो इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आप उस काम को कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि यार, नेगेटिव पॉइंट्स हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हैं, पर वो आपको ढूंढने पर मिलता है। और आप शुरू करोगे तब आप सॉल्यूशन भी ढूंढोगे, पर शुरुआत करने से पहले ही यदि आप ढेर सारे नेगेटिव पॉइंट्स घोर लेते हो तो शोर आपके अंदर कभी भी जिद नहीं आएगी उस काम को शुरू करने की। क्योंकि दोस्तों, जितनी भी चीज़ें दुनिया में बनी हैं, कभी ना कभी वो किसी के आइडियाज से, चाहे वो एक पेन हो या एरोप्लेन। लेकिन उन लोगों के लिए भी उनको बनाने का सफ़र काफ़ी मुश्किल भरा रहा होगा, कई सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, पर यदि वो लोग उनसे डर जाते तो शायद वो आज कामयाब नहीं होते। सोच समझ कर किसी चीज़ को शुरू करना एक अच्छी बात है, पर बहुत ज़्यादा सोचकर उस चीज़ को शुरू ही ना करना बहुत गलत बात है। और इसका पछतावा बंदे को टाइम निकलने के बाद होता है, इसलिए टाइम निकलने से पहले शुरू कर दो। क्योंकि यार, शुरू करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार जाओगे, पर वही हार तुम्हारी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। क्योंकि उस फेलियर से जो तुम सीखोगे, तुम्हें वो कोई नहीं सिखा सकता। और यदि जीत गए तो अपने डिसीजन पर नाज करोगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, पर बहुत सारे लोगों की सिर्फ ये विश होती है जो सक्सेसफुल बंदे को देखकर अंदर पैदा हो जाती है। पर याद रखना, जब वो विश तुम्हारी सिर्फ इच्छा होगी, जब तक तुम अपना 100% कभी नहीं दे पाओगे। पर वो विश जब तुम्हारी ज़रूरत बन जाएगी, उस वक्त तुम सोचना छोड़कर काम करना स्टार्ट कर दोगे। और रिजल्ट सिर्फ सोचने से नहीं, करने से आते हैं। इतिहास सोचने से नहीं, करने से बनते हैं। दोस्तों, आज आपके पास मौका है, या तो वीडियो को देखने के बाद अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खो जाओ और 10 साल का पछतावा करने बैठोगी कि काश मैंने उस वक्त शुरुआत की होती, या फिर आज जी जान लगा दो जो सोचा है उसको करने के लिए। यदि दोस्तों इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी सी भी आग लगाई है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। अरे है ना, जागो तब सवेरा, क्यों ना हम भी जागे और नया सवेरा लाएं।